रायपुर से बड़ी खबर है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया, बाहर से आकर लोग यहां बस रहे हैं, बिरनपुर जैसी घटनाएं इसी वजह या इसी चीज का नतीजा है। शांति का टापू छत्तीसगढ़ अब अपराध गढ़ बन चुका है, प्रदेश सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, बीजेपी इसका भौतिक सत्यापन कराएगी। ये सारी बातें पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कही हैं। तो बिरनपुर में घटना के विरोध में बयान अब तक थमे नहीं है, बाहरी लोगों की वजह से सब हो रहा है, बाहर से लोग आकर यहां बस रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये कहना है धर्मलाल कौशिक का। भारतीय जनता पार्टी भौतिक सत्यापन भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बहुत गंभीर है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो शांति और समरसता का वातावरण है ये ना बिगड़े, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है ये छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। तो धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया और इस बयान पर पलटवार भी हो गया। सीएम भूपेश ने धर्मलाल कौशिक की बात का जवाब दिया है, बीजेपी पहले हिंसा करवाती है और अब सर्वे करवाने की बात कहती है, बीजेपी वोट के लिए सर्वे करवा रही है, बीजेपी विद्वेष फैलाए हम प्रेम बांटेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। बीजेपी हमारे पीएम आवास सर्वे का समर्थन करे, सीएम भूपेश का धर्मलाल कौशिक के बात पर वार या उनकी बात का जवाब, बीजेपी पहले हिंसा फैलाती और अब सर्वे करा रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। बीजेपी विद्वेष लाए हम प्रेम बांटेंगे, ये भी कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। क्या उनका उत्तर है ये भी सुनिए। पहले तो हिंसा कराएं और उसके बाद वो अब सर्वे करा रहे हैं, सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं, गरीब को आवास मिलना चाहिए सर्वे कराएं तो भारतीय जनता पार्टी मौन है, अब वोट के खातिर वो कराना चाहते हैं तो ये द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना द्वेष फैलाएंगे उतना हम प्रेम बांटने का काम करेंगे। तो सीएम भूपेश ने उत्तर दिया धर्मलाल कौशिक की बात का, कहा कि पहले हिंसा फैलाते हैं और अब सर्वे करने की बात कहते हैं, गरीबों के आवास के लिए सरकार तो सर्वे करवा रही है जिसमें बीजेपी मौन है, लेकिन अब अपनी वोट के खातिर वो सर्वे कराने की बात कहने लगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना था कि बिरनपुर में जो कुछ हुआ वो बाहरी लोगों की वजह से हुआ, बाहर से लोग आकर बसे हैं उनकी वजह से शांति का टापू अब यहां असामाजिक तत्व और इस तरह की घटनाओं की वजह से बदनाम है।